रांची में FIH वुमेन्स हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स चल रहे हैं और यहां से पोडियम फिनिश करने वाली टीमें ही पेरिस ओलंपिक 2024 में अपनी जगह पक्की कर पाएंगी। ऐसे में भारतीय महिला हॉकी टीम की निगाहें पोडियम फिनिश पर होंगी। हालांकि टूर्नामेंट में भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम को पहले मुकाबले में ही USA के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उसके बाद टीम के सामने मजबूत न्यूजीलैंड की चुनौती थी और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार खेल दिखाते हुए मुकाबला 3-1 से अपने नाम कर लिया और इस जीत के साथ ही भारतीय टीम के लिए ओलंपिक क्वालिफिकेशन की उम्मीदें भी बरकरार हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम के लिए पहले ही मिनट में कुमारी संगीता, 12वें मिनट में उदिता और 14वें मिनट में ब्यूटी ने गोल दागा। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के लिए मेगन ने टीम के लिए एकमात्र गोल किया। ये सारे गोल मुकाबले के पहले क्वार्टर में हुए। उसके बाद दोनों टीमें तीनों क्वार्टर में गोल करने में नाकामयाब रही, लेकिन भारतीय टीम के नजरिए से ये सही रहा। टीम ने लीड अंत तक बरकरार रखी और जीत टीम के हिस्से आई। अब भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला कल इटली के खिलाफ खेलेगी, जहां टीम के लिए सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए जीत बेहद जरूरी है। इटली अपने दोनों मुकाबले हार कर इस मुकाबले में आएगी। वहीं कल अगर भारतीय टीम जीत दर्ज कर लेती है तो टीम उम्मीद करेगी न्यूजीलैंड USA से अपना मुकाबला हार जाए, ताकि भारतीय टीम सेमीफाइनल में आसानी से जगह पक्की कर ले। और अगर न्यूजीलैंड भी अपना मुकाबला जीत जाती है तो बात गोल डिफरेंस पर आ जाएगी और सेमीफाइनल में जाने की राह फिर गोल डिफरेंस के आधार पर तय होगी। अब आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कल इटली के खिलाफ भारतीय टीम का जो मुकाबला होने वाला है उसके बारे में भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव ABP लाइव को।